तो गाइस सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। काफ़ी यूनिक वीडियो है आज। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आया था इंस्टाग्राम में, टिबन भाई नया मैप आ चुका है, तुम साइफर के सेटअप दिखाओ। आज इस वीडियो में हम सारे साइफर के सेटअप दिखाएंगे। देखो गाइस, एंड ऑफ द डे टिप्स एंड ट्रिक्स सब ठीक है, लेकिन कच्चा एम बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो। और कच्चा एम के लिए तुम लोग के लिए ज़रूरत है एनवीडिया रिफ्लेक्स लो लेटेंसी। या अगर तुम लोग को नहीं पता लेटेंसी क्या है, सिस्टम लेटेंसी मीन्स इट्स अ डिले बिटवीन द एक्शन परफॉर्म ऑन योर पेरिफेरल्स एंड सीइंग द एक्शन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। और मैं तुम लोग को बताता हूँ ये सेटअप कैसे करते हैं गाइस। फर्स्ट मेक श्योर तुम लोग का जो ग्राफिक ड्राइवर्स है वो अपडेटेड है, और उसके बाद तुम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ करने का, गेम के अंदर जाने का और ये जो सेटिंग्स है इधर करने का ऑन और ऑन प्रेस पुश। अब तुम लोग को मैं डिफरेंस भी बताता हूँ। इसको ऑन करते ही तुम लोग के हल्की सी एडवांटेजेस मिलेगा, लेकिन ये जो ऑन प्रेस पुश है इसमें ज़्यादा एडवांटेजेस है, समझ रहे हो, एमिंग के हिसाब से या फिर शूटिंग जो भी हो, रिफ्लेक्स सब कुछ, समझ रहे हो। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ तुम लोग भी ये ऑन प्रेस पुश कर दो, ताकि ये जो कॉम्पिटिटिव गेम्स में तुम लोग को ज़्यादा एडवांटेजेस मिले, ठीक है। तो गाइस मैं तुम लोग को पहले दिखाने वाला हूँ ए का जो डिफेंडिंग सेटअप है वो मैं दिखाऊंगा। बेसिक सेटअप है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सो लेट्स गो। जैसे कि तुम लोग को पता है गाइस, इसमें तुम लोग बंदे इधर से भी लर्क कर सकते हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो भी बंदे इधर से आ गया, अगर तुम लोग के टीममेट्स मिड नहीं देख रहे तो ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि तुम लोग बेसिकली साइड में रहोगे डिफेंडिंग में। तो मैं बोलता हूँ इधर एक ट्रिपवायर डाल दो, ठीक है। उसके बाद मेरा जो कैंप सेटअप है वो है कि मैं इधर आता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर कूदता हूँ। उसके बाद ये जो है ये कैमरा ज़्यादा ओपी लगता है, क्योंकि जो बंदे इधर से आते हैं उनको दिखता भी नहीं है कैंप, पहली चीज़। तो मारना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा आके मारना पड़ता है इनको, समझ रहे हो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है वो मारना। और दूसरी चीज़, इधर से जो बंदा आता है, एलिंग से जो बंदा आता है, उसको भी ऐसा आना पड़ता है, उसके बाद ऐसा देखना पड़ता है कि यू नो कैमरा इधर है, उसे मारना पड़ता है। मुझे ये सबसे ज़्यादा ओपी लगता है ये कैमरा एंगल, समझ रहे हो। उसके बाद ट्रिप वायर अगर बोले तो एक जो हम उधर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बैक स्टेप से नहीं मरने का। दूसरे हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे डाल सकते हैं, इससे क्या होगा तुम लोग टाइम बाय करने के लिए ये भी कर सकते हो। इनकेस अगर वो लोग रश कर रहे हैं आप इधर बैठ सकते हो, समझ रहे हो। इनकेस अगर वो लश करे तुम लोग को कैमरा में आवाज़ आएगा कि यू नो रश हो रहा है। तो ये वाली जो ट्रिप वायर है काफ़ी ओपी है, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम लोग बस इधर कैम कर सकते हो और वो लोग जब रश करेंगे जो बंदा इधर फंसेगा सीधा वॉल बैक, उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग कहाँ हो, समझो। सबसे ओपी टेक्निक ये जो ट्रिप वायर है, ये मेक श्योर करता है कि यार कोई बंदा इधर बैक स्टेप नहीं कर सकते। लेकिन एक मसला है, जेट इधर से अपड्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी साउंड हमें आएगा, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम लोग आराम से इधर बैठ के चिल कर सकते हैं आराम से। बिकॉज ये एक सेटअप है मेरा जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बहुत बहुत ओफी सेटअप है मेरे हिसाब से। तो गाइस दूसरा सेटअप ये है कि मैं पहले ऐसे जाता हूँ और ये वाले कैमरा लगाता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो भी बंदा ये और पॉइंट ले रहे हैं हमें एक इधर का इन्फो मिलेगा, ये ए मेन का हमें इन्फो मिलेगा, ठीक है। जो भी ये बंदा और पॉइंट ले रहा है या फिर जो भी बंदा इधर से आ रहा है हमें ये इन्फो मिलेगा एक कैमरा से, ठीक है। छोटी सी हिडन कैमरा, लेकिन इधर जब अटैकर्स आएंगे उन लोग को दिखेगा, क्योंकि वो रेड फ्लैश होगा, समझ। ट्रैप वायर में बेसिक डालता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ऐसे वाले ट्रैप वायर और दूसरा नॉर्मल, और दो स्मोक यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर उन लोग का रश हो रहा है तो मैं इधर से कॉल दूंगा कि यार रश हो रहा है, ऑन करूंगा। अगर रश हो रहा है तो इधर कोई ना कोई तो फंसेगा, मारूंगा इसी। तो ये एक दूसरा सेटअप है, ये कैमरा काफ़ी ऑफी है, क्योंकि वो अर्ली इन्फो देता है कि क्या हो रहा है एमिन, समझ। तो ये मेरा सेटअप टू है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा बी का सेटअप, ठीक है, डिफेंसिव सेटअप कैसे करते हैं। तो पहली चीज़ ये देखो, अगर तुम लोग को मिड के, अगर तुम लोग के फर्स्ट मिड का इन्फो नहीं है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये वाली ट्रैप वायर डाल दो, क्योंकि जो भी बंदा इधर से कोई लर्क कर रहा है तो इधर हमें एक एटलीस्ट इन्फो मिलेगा कि यार सुनो इधर से बंदा आ रहा है, तो हमें एक इन्फो मिलेगा, समझ रहे हो। तो पहले मैंने दिखाया था कि ए पे इधर डालो, लेकिन ये जो ट्रैप वायर है ये
ज़्यादा यूजफुल लगता है मुझे, क्योंकि ये है, अगर हम ए भी होल्ड कर रहे हैं फिर भी हमें इन्फो मिलेगा, या फिर बी होल्ड कर रहे हैं फिर भी हमें इन्फो मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोग को बी का सेटअप, ठीक है। बेसिकली ये है बी सेटअप, ये प्लांटिंग एरिया है पूरा, ठीक है। ये है बी में, तो जैसे हम स्लिट में करते थे ऐसे डालना है और उसके बाद ऐसे करना है, और तुम लोग इधर जाके होल्ड कर सकते हो। सो लेट्स से इवन इफ दे आर रशिंग, और कैमरा प्लेसमेंट बोले तो मैं रिकमेंड करता हूँ ये वाले कैमरा सेटअप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वाला इन्फो भी मिलेगा, मिड वाला, और अगर तुम लोग ये कैमरा यूज़ कर रहे हो तो फिर जो भी हमने वो टनल पे जो हमने वो डाला था, क्या बोलते हैं, ट्रैफाई डाला था, वो जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। सो यू कैन यूज दिस सेटअप। इसमें क्या होता है, तुम लोग को मिड का इन्फो भी मिलता है और हल्के सी ए मेन का भी इन्फो मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता है। साउंड आएगा तुम लोग को, लेकिन ये वाले में थोड़ी सी इन्फो मिलेगा तुम लोग, समझ रहे हो। ये वाली कैम तो तुम लोग आराम से इधर होल्ड कर सकते हो, और ये वाला अगर ब्रिमस्टोन या फिर जो भी हो स्मोक करेगा, तुम लोग को बस ये होल्ड करना है और इसको एक्टिवेट करना है। इससे क्या होगा कि जैसे हमने स्प्लिट में हमारा सेटअप है, जो बंदा ऐसे आएगा वो जो भी इस तरफ जाएगा वो इसमें फंसेगा और हमें इधर से इजी किल मिलेगा, समझ रहे हो। और ये कैमरा तोड़ने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये एंगल चेक नहीं करें कोई अटैकिंग साइड पे, समझ रहे हो। ये है एक सेटअप, ठीक है। दूसरे सेटअप तुम लोग को मैं दिखाऊंगा अभी। एक सेटअप ऐसे ऐसे खेलना पड़ेगा थोड़ी, और कैमरा हम डाल सकते हैं इधर, क्योंकि ये जो कैमरा है इससे क्या होता है कि जो बंदे इधर से आ रहे हैं उनको वो कैमरा नहीं मिलेगा, और उसको जैसे हम स्प्लिट में वो जो ऊपर का कैमरा डालते हैं बी में, तो सिर्फ हमें उसका पैर दिखेगा। तो हम आराम से इधर बैठ के केज ट्रिगर मार सकते हैं। इसमें वन वे स्मोक भी तुम लोग कर सकते हो। दूसरे होगा ये जो भी इधर रश करेगा उसको क्लोज रेंज में आराम से मार सको, और इधर काफ़ी इफेक्टिव है बक्की भी अगर तुम लोग खेलोगे तो, समझ रहे हो। तो ये एक दूसरा सेटअप है मेरा जो मैं रिकमेंड करूँगा। चलो गाइस, ये हो गया ए और बी का डिफेंसिव सेटअप। अब हम दिखाएंगे अटैकिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं साइफर को इसमें भी, ठीक है। इसमें ए साइड, बी साइड और मिड भी है, तो देखते हैं कि कैसा होगा, ठीक है। तो पहले हम दिखाएंगे ए में कैसे घुसना है, समझ रहे हो। तो ये वाले बेसिक का एक ट्रैपर है जिससे ये बंदा और जो भी इधर से आ रहा है, लेकिन याद रहियो अगर तो जेट आएगा तो वो अब ड्रैप भी कर सकता है, ये वाली याद रही, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रैप है डाल दो जहाँ पे ये और ये आएगा। तुम लोग अगर अर्ली पुश इधर से तुम लोग देख सकते हो, अगर कोई भी बंदा इस साइड से पुश कर रहा है तो ये वाली इनको तुम लोग को मिलेगा। दूसरे अगर तुम लोग टीम के साथ जाने वाले हो और अगर कोई इनिशिएटर नहीं है तो ये भी यूज़ कर सकते हो, अगर कोई इधर ऑफर है तो वो भी इजी हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी सिंपल है, अगर तुम लोग ये वाले एंगल से अगर सब क्लियर किया तो ऐसे स्मोक डाल के सीधा तुम लोग ऐसे ये वाले एंगल क्लियर कर सकते हो, समझ रहे हो, या फिर ऐसे दोनों स्मोक डाल के तुम लोग क्लियर कर सकते हो। तो बस इतना ही है, सिंपल है ए अटैकिंग में। उसके बाद हम जाएंगे अभी बी अटैकिंग में कैसे, समझ रहे हो, क्योंकि साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, छोटी सी है। लेकिन बी में क्या मसला है कि काफ़ी बड़ी साइट है, तो एक ये बेसिक वाली बी ट्रैप डाल दो ताकि जो भी बंदा मिड से आएगा या फिर ए से पुश करेगा तब हमें पता चलेगा कि यू नो बैक स्टैब एक हो रहा है। उसके बाद अटैकिंग अगर हो जाए तो ये वाली कैम तुम लोग को एक इन्फो मिलेगा, नहीं इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव तो ये है। इससे क्या होगा कि अगर कोई ऑफर इधर है तो हमें समझ में आता है कि कौन है। अगर एक बार ये क्लियर किया तो ये वाली बहुत यू नो कैंपर्स हो सकते हैं, तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो अगर कोई कैम कर रहा है तो अगर ये क्लियर हो गया तो तुम लोग साइड भी क्लियर कर सकते हो ऐसे ये वाले, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक एंगल्स क्लियर कर सकते हो, ऐसे भी क्लियर कर सकते हो ये वाले। लेकिन यूजुअली ये वाला स्पॉट स्मोक हो जाता है, तो लेकिन एक ही मसला है कि ये जो बैक सेट है इस पर थोड़ा रिवील करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा, समझ लो।
तो हमें बस अगर ये एंगल क्लियर किया और ये सारे एंगल्स क्लियर किया तो फिर हमें पता चले कि कोई ना कोई इसके पीछे ही बैठा है या फिर इधर कैंप करता है, समझ रहे। तो ये सी तो ये सब अटैकिंग कैंप्स है जो यूजफुल रहेगा। तो चलो आई होप तुम लोग को ये वीडियो मज़ा आया, अगर मज़ा आया तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और मिलते हैं यार अगले वीडियो में। लव यू।